दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार की तरफ से आई बड़ी खबर। जी हाँ, अगर आपके यहाँ पे किसी को भी पेंशन मिलती है, चाहे विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर निरस्त महिला पेंशन हो, अटल पेंशन योजना हो, कोई से भी पेंशन मिलती है, तो सरकार की तरफ से सभी पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर। तो इस वीडियो में आपको आगे फुल डिटेल के साथ बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम, कुछ बड़े बदलाव आए हैं, तो आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं। जी आपको बता दें, अगर आपके घर में पेंशन भोगी हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी आपको बता दें, सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए या फिर विकलांगों के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जिनके मुताबिक 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग पेंशन भोगियों को 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ये प्रमाण पत्र उनके बैंक या फिर घर में जमा किया जा सकता है जहां आपकी पेंशन आती हो। जी आपको बता दें, ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया है। यदि पेंशन भोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो अगले महीने से उनकी पेंशन में समस्या हो सकती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आजकल कई बैंक ऑनलाइन या फिर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं। आपको बस उन्हें फ़ोन करना है और उनके प्रतिनिधि को अपने घर बुलाकर बनवा सकते हो। जी आपको बता दें, पेंशन के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम यह भी है कि पेंशन व्यक्ति के खाते में तब तक आएगी जब तक वह जीवित है। जो व्यक्ति सरकार से पेंशन ले रहा है और मर जाता है, लेकिन परिवार बस तत्व को छिपाता है और पेंशन लेता रहता है, तो ये एक अपराधी है। इसलिए हर पेंशन भोगी को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जिससे ये साबित होता है कि वही व्यक्ति अभी भी इस दुनिया में है। पहले ऐसा हुआ करता था कि बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ता था और फिर अधिकारी खुद उन्हें देखकर उनका जीवन प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना काल के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जीवन प्रमाण पत्र, जिसे जीवन प्रमाण पत्र के लिए रूप में भी जाना जाता है, पेंशन भोगियों के लिए अवस्थ का एक आवश्यक दस्तावेज है, जो कि इस बात के कारण के रूप में कार्य किया जाता है वह अभी भी जीवित है या प्रमाण पत्र किसी अधिकारी पेंशन विरक्त या फिर एजेंसी उदाहरण के लिए बैंक या फिर डाकघर के सामने दिखाना होगा। प्रमाण पत्र का उद्यन स्वच्छ करना है और पेंशन भोगी को कार्यक्रम की उनकी मृत्यु के बाद जारी नहीं रहा है जी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, तभी आप मिलेगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी वीडियो कैसा लगा इस बारे में।